बागीरा मान जा। तो भाई आप लोगों की फरमाइश पे मुझे कमेंट आ रहे थे कि जिम्मी भाई लॉयन के साथ वीडियो बनाए, टाइगर के साथ बनाए, तो आज हम अपने बगीरा के केज में, बगीरा जो है हमारा टाइगर का बेबी है, बड़े टाइगर के केज में तो हम जा नहीं सकते, तो हमने इसके केज में आने का फैसला किया। अब ये क्योंकि इसकी टेरिटरी है तो ये अपनी टेरिटरी में किसी को आने नहीं देता है, तो हमने ये किया है कि इसको जरा सी चेन कर दिए ताकि ये एक कॉर्नर में आ जाए, क्योंकि आज हमें इसके साथ जो एक्टिविटी करनी है वो है इसको नहलाना। इसको अभी नहलाना है हमने और इससे थोड़ा सा बचना भी होगा हमें। तो ये हमारे बगीरा भाई हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, सेहतमंद, दिन में अराउंड 3 किलो जो है ये गोश्त खा जाते हैं, और इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती जो है वो डॉक्टर साहब और रिजवान से हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं, इसने इनको एक्सेप्ट कर लिया है। इनके अलावा ये किसी और से जो है इतने अच्छे दोस्त नहीं हैं, और एक हमारा छोटा सा कसीम जो है जिसका ये टाइगर था पहले, उससे ये बहुत ज़्यादा सेट हैं। तो ये देखें भाई, अब चैलेंज ये है कि बगीरा को जो है हमें नहलाना है और अच्छे से इसको शैम्पू वगैरह करना है, क्योंकि इनके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सफाई का भी इसका ख्याल रखना है। तो माशाल्लाह जो है ये इसको अभी हम नहलाने वाले हैं और आज आप देखेंगे व्लॉग कि टाइगर को हम कैसे नहलाते हैं। स्टार्ट करते हैं, टाइगर को पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो बहुत आराम आराम से प्यार से इसके ऊपर पहले इसको पानी डालेंगे। ज़बरदस्त जी, इंजॉय। ये देखें जी, हमारा टाइगर जो है माशाल्लाह इसको इंजॉय कर रहा है, नहलाना हमने शुरू कर दिया है। से नहला रहे हैं, इनको पानी बहुत ज्यादा पसंद होता है, और हम इसको जरा लोटे से नहला रहे हैं, तो कोई भाई बुरा मत मानिएगा, ये हमारी प्रैक्टिस है, हम देसी लोग हैं और लोटे से बड़ा आसान हो जाता है, जहाँ आपने पानी गिराना है वहीं वहीं गिरता है, और पाइप से इसलिए नहीं इसको नहला रहे, पाइप लगा क्योंकि प्रेशर होता है, प्रेशर से कभी कभी घबराया जाता है। तो अभी इसको पानी डाल रहे हैं, पानी के बाद इसके ऊपर हम शैम्पू लगाएंगे, और ये मुझे भी साथ साथ नहला रहा है। तो अच्छा, इनके अंदर एक बड़ी गंदी आदत होती है, ये जो है ये वाला जो हमारा जो बगीरा है ये क्या करता है, खेल कूद में ना पकड़ लेता है, तो उसके जरा हमें नाखूनों से भी बचना है, इसके दांतों से भी बचना है, क्योंकि इसके लिए तो एक खेल है लेकिन हमारे लिए कोई मसला बन सकता है भाई। रे बगीरा नाले, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, बगीरा को रोज 3 किलो खाना चाहिए। इसके बाद हम लगाएंगे अभी इसको शैम्पू, और शैम्पू हम इस्तेमाल करेंगे वो वाला जो डॉग्स के लिए, हम पपीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, अच्छा वाला शैम्पू, अच्छा वाला जिससे मैं भी नहीं नहाता। बस नहलाने के लिए आ गए और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बस मैंने अब टाइगरों और शेरों के साथ ही नहाना है। बस डॉक्टर साहब जो है ना वो मतलब कह रहे हैं कि मैं एक हफ्ता हो गया घर पे भी नहीं नहा रहा हूँ, इधर ही आके टाइगरों के साथ नहा रहा हूँ, ऐसा ही है। बगी आजा। जो है ये माशाल्लाह नहा चुका है, तो उसको जो है वो सुखा रहे हैं और इसका ये साफ कर रहे हैं, इसके बाद डॉक्टर साहब जो इसकी स्किन का मुआयना लेंगे, और टेम्प्रेरी तौर पर हमने इसे अभी जो है वो चेन किया है, वैसे ये स्केच का ना खुला घूमता है, क्योंकि अगर इसे नहलाना है ना तो ये थोड़ा ज़रूरी होता है, वरना ये बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करेंगे, अपने आप को भी गंदा करेंगे। तो ये हो गया साफ डॉक्टर साहब, अब बाकी तो जो है वो सनलाइट माशाल्लाह हवा के अंदर इसका काम हो जाएगा, और ये कीचड़ यार बांग्लादेश में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, तो जंगलात के अंदर नदियाँ, झीलें, झरने और उन्हीं के बीच में ये रहता है, तो उसको बहुत पसंद होता है पानी। तो ये हमारा बगीरा, और आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और बहुत रेयर एक्टिविटी
टाइगर के बच्चे को हमने नहलाया, जिसका नाम था बघीरा, जंगल बुक मूवी से ये नाम हमने लिया था। माशाल्लाह अभी ये छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो और मज़ेदार हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।